हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज मैं बात करने वाला हूँ KGMU प्लस AVMU UPBSC नर्सिंग के बारे में। तो जो बच्चे 2023 में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSC नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसे दे सकता है, बाहर सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट्स दे सकते हैं या फिर अदर कैंडिडेट्स के भी दे सकते हैं, एंड कब तक इसके 23 में फॉर्म आएंगे, इन सभी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी जो एज की बात करूँ तो मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स, मतलब कि जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2022, तो मतलब कि यहाँ पर ये मतलब है आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2023 यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में जो फॉर्म आएंगे। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी। मैक्सिमम एज लिमिट होगी 35 ईयर्स फॉर जनरल OBC EWS SC और ST कैटेगरी के लिए, और मैक्सिमम एज अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबिलिटी है आपके अंदर, तो आपकी 40 ईयर्स भी चल जाएगी मैक्सिमम एज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है एडमिशन के लिए। एज पर द लेटेस्ट INC रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पास PCB स्ट्रीम होनी चाहिए 12th में, 12th आप क्वालिफाइड होने चाहिए, मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स आपके 12th में होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि PCB के साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास PCB होनी चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ पर 4.3 पॉइंट में लिखा भी है कि इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन इन BSc नर्सिंग। तो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, और भी बाकी सारी डिटेल्स। तो अगर मैं बात करूँ कि आपकी टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 200 क्वेश्चंस, MCQs बेस्ड रहते हैं, और आपका जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड होगा, OMR शीट पर पेपर होगा, और 200 क्वेश्चन रहेंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, और टोटल आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए 180 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, इट मींस 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ आपकी, मैं आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपका एग्जामिनेशन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं होगा। और जो सिलेबस आपका रहेगा वो आपके PCB तो रहेगी 20-20%, लेकिन साथ ही साथ इसमें 3 सब्जेक्ट और होंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो रहेगा, इसमें बेसिक नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो से बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस रहते हैं जब एग्जामिनेशन तो आने वाले होंगे, इससे कुछ मंथ्स पहले मैं आपको अवेयर कर दूंगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश, और साथ ही साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के आते हैं, तो इसका मतलब आपके पास हो गए नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज 10-10% मीन्स टोटल 20%। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने होनी चाहिए इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से हैं तो 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इट मींस कि आपके 100 मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आप जनरल हैं, और अगर आप SC ST और OBC से हैं तो 80 मार्क्स कंपलसरी हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे इस एग्ज़ाम में। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके 23 में एग्जामिनेशन फॉर्म कब अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर हम 22 का देखें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गए थे आपको ऑनलाइन 19 मई को, तो 19 मई को आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गए थे। तो इसी अकॉर्डिंग ऐसे ही आपके 23 में भी मई के मिड में या फिर स्टार्टिंग में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपके पास अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो आपके पास ओनली 5-6 मंथ का टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। सर सीट्स की बात करूँ तो इसमें जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं BSc नर्सिंग कोर्स के लिए।
आपकी जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो है 12,000 प्लस सीट्स फॉर द बीएससी नर्सिंग। एंड मैं बात करूँ प्राइवेट की जो सीट्स हैं, अगर मैं उन्हें हटा कर सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स की बात करूँ तो आपकी जो गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं वो है 1200 प्लस सीट्स। 1200 प्लस सीट्स आपकी गवर्नमेंट है एंड रेस्ट जो सीट्स हैं वो है प्राइवेट सीट। और मे भी चांसेस हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट नेक्स्ट ईयर इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि इस ईयर भी इंक्रीज़ हुआ था तो नेक्स्ट ईयर भी इंक्रीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन अभी भी रह गया है कि इसकी जो बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट की कितनी फ़ीस रहती है। तो प्राइवेट की तो फीस देखिए कॉलेज टू कॉलेज वैली करती है, बट अगर बात करें कि गवर्नमेंट की, तो जो गवर्नमेंट की फ़ीस रहती है वो रहती है अप्रॉक्स 40,000 ट्यूशन फीस आपकी रहती है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में ऐसी रहेगी 40,000 to 50,000 ट्यूशन फीस ऑफ वन ईयर। लेकिन बात करें प्राइवेट की तो वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती रहती है, उसकी कोई एक फिक्स नहीं होती है फीस। तो वो जब सीट मैट्रिक्स आता है तभी फीस कन्फर्म होती है। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स, अप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे एंड फीस, ऑल द इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। और एग्ज़ामिनेशन में क्या आपको कौन सी बुक्स प्रिस्क्राइब करनी है, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये मैं आगे चल के आपको बता दूंगा वीडियो से। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।